आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। बैंक और डाक कर्मियों ने देश भर में शुरू किया 2 दिवसीय हड़ताल। गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में बीएमएस के 9 प्रवेश छात्र छात्राओं के दीक्षा पाठचर्या समारोह में वर्चुअल शिरकत किए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का अंग्रेजी विभाग अब सोशल मीडिया के सभी प्रमुख प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 8 लाख की ठगी करने वाले जालसाज को गोरखपुर की पुलिस ने किया गिरफ्तार। बस्ती जिले के हरैया तहसील में खंडहर हो चुके मकान की खुदाई में भारी मात्रा में निकले सोने, चांदी, जेवरात और सिक्के, गांव में मचा कौतूहल। चौरी चौरा प्रकरण में 3 वरिष्ठ सपा नेताओं पर 25,000 का इनाम घोषित। और सुप्रसिद्ध संत भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार की 91वीं पुण्यतिथि के मौके पर पुस्तक श्री भाई जी सरस संवाद का हुआ लोकार्पण। और अब सत्य घटना विस्तार। बैंकों के निजीकरण, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर सोमवार से बैंक कर्मियों ने 2 दिवसीय हड़ताल शुरू की। हड़ताल के पहले दिन बैंक कर्मियों ने बैंक रोड से जुलूस निकाला, जो विजय चौक, गणेश चौक, कचहरी चौक होते हुए बैंक रोड स्थित पीएनबी बैंक पर खत्म हुआ। इस दौरान बैंक कर्मियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस संबंध में यूपी बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के सेक्रेटरी योगेश सिंह ने कहा कि सरकार बैंक कर्मियों के खिलाफ मनमानी रवैया अपना रही है। हड़ताल, हमारा सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं उन पर हमले हो रहे हैं। विशेषकर आज से ट्रेड यूनियन जो कि 12 सूत्री मांग को लेकर के, जन संबंधी मांग को लेकर के मैदान में है, बैंकिंग भी उसे अछूता नहीं है, और अपनी हमले जो रहे हैं बैंक पर, जो निजीकरण की साजिश चले उसको रोकने के लिए, पुरानी पेंशन बहाली के लिए, पेंशन अपडेशन के लिए, तमामों हमारे रेजिडुअल इशू हैं जो अभी तक साल बने हुए हैं उनको लागू करने के लिए हम मैदान में हैं। भारत सरकार के कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ पोस्टल JCA के संयुक्त आह्वान पर पूरे देश में डाक कर्मचारियों ने 2 दिन का हड़ताल शुरू किया। इसी क्रम में प्रधान डाकघर गोरखपुर में भी डाक कर्मचारियों के द्वारा कामकाज ठप कर दिया गया। अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ के सहायक प्रांतीय मंत्री संजय राय ने कहा कि कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन की बहाली, मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत शत प्रतिशत नियुक्ति, 18 महीने के लंबी DA एरियर का भुगतान, कर्नल कमलेश चंद्र कमेटी की रिपोर्ट को तत्काल लागू करना, सरकारी संस्थाओं का निजीकरण बंद करने और विभाग में खाली पड़े सभी रिक्त पदों को भरना सरकार द्वारा तत्काल सुनिश्चित किया जाए। राष्ट्रव्यापी 2 दिवसीय हड़ताल है। पोस्टल JCA हमारे केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश में पोस्टल JCA के बैनर तले 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल डाक विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं। इसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की अन्य भी ट्रेड यूनियनें शामिल हैं। स्टेट गवर्नमेंट की भी ट्रेड यूनियनों का समर्थन है। बैंक भी हड़ताल पर है। इंश्योरेंस सेक्टर भी हड़ताल में है। प्रमुख मांगे हैं जो कर्मचारियों की, सबसे पहले तो पुरानी पेंशन को बहाल करना है, मृतक आश्रित कोटे को शत प्रतिशत नियुक्ति निश्चित किया जाए। दुनिया में आधुनिक चिकित्सा के आगे बढ़ने के क्रम में आयुर्वेद कहीं ना कहीं अपेक्षित प्रगति नहीं कर सका, लेकिन जब कोरोना का संकट आया तो इसकी महत्ता पूरी दुनिया ने स्वीकार की। ये बातें सोमवार को उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री व महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महंत योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल जुड़कर उस समय कहा जब गोरखपुर के बालपार इलाके में स्थित महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम की संस्था गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में
बीएमएस प्रथम वर्ष के नव प्रवेशी छात्र छात्राओं के दीक्षा पाठचर्या समारोह का उद्घाटन सत्र चल रहा था। 15 दिवसीय इस कार्यक्रम में योगी ने नव प्रवेशी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन भी किया। आम जन ने स्वीकारा है दुनिया के अंदर तब इंडिया एंड रिसीव ट्रीटमेंट एंड हील बाय इंडिया आवर पीपल गो टू द अदर कंट्रीज एंड ट्रीट द पेशेंट्स देयर दैट मींस वी हैव अ वेरी पोटेंशियलिटी द होल वर्ल्ड इज गेटिंग ओल्डर मोर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का अंग्रेजी विभाग अब सोशल मीडिया के सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। अब विद्यार्थियों को सोशल मीडिया फेसबुक ट्विटर यूट्यूब इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर सभी गतिविधियों के साथ ही उपयोगी वीडियो भी मिल सकेगा। प्रोफेसर अजय शुक्ला ने बताया कि जानकारियां अपडेट की जा रही हैं। यूट्यूब चैनल पर भी अंग्रेजी विभाग के शोधार्थियों के प्रेजेंटेशन को भी अपलोड कर दिया गया है, जिसे देखकर कनिष्ठ विद्यार्थी अपने वरिष्ठ से काफी कुछ सीख सकते हैं और प्रेरित हो सकते हैं। अंग्रेजी विभाग ने नई पहल करते हुए आगामी 29 मार्च को मॉक इंटरव्यू आयोजित किया है। उन्होंने ये भी बताया कि इस मॉक इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग को यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया जाएगा। अंग्रेजी डिपार्टमेंट से जो जितने सोशल एक्टिविटी हो रहे हैं सोशल मीडिया पर देखिए, मेरा मानना है कि आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है और उस तकनीक के दौर में तकनीक के हर स्तर को हमको अपना करके लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना पड़ेगा। युवा आजकल सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ, सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म हैं अगर आप देखें तो उसमें यूथ जो हमारा स्टूडेंट ग्रुप है वो सबसे जुड़ा है। अब अपनी बात को हम उन तक कैसे पहुँचाएँ, हम अपने मटीरियल को उन तक कैसे दें, हम उनको सूचनाएँ कैसे दें, तो इसके लिए हमने सोचा और अब तो विश्वविद्यालय की तरफ से माननीय कुलपति जी ने एक आदेश निकाला है कि सभी विभाग बनाएंगे, तो अंग्रेजी विभाग ने सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट क्रिएट कर दिया है। जो सोशल मीडिया के अकाउंट है जिसमें मुख्य तौर पर फेसबुक का इस्तेमाल लोग करते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ युवाओं में इंस्टाग्राम का बहुत क्रेज़ है, तो इंस्टाग्राम का भी अकाउंट विभाग का है, फेसबुक पेज बना हुआ है और हमारे पास लिंक्डइन है, ट्विटर है और सबसे बड़ी बात है कि YouTube चैनल है। YouTube चैनल के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे अच्छे लेक्चर्स हैं, जो प्रेजेंटेशंस हैं, उनको हम उस पर हम अपलोड करें। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 8 लाख की ठगी करने वाले जालसाज को गोरखपुर की कैंट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन ईगल के तहत गिरफ्तार किए गए भोलानाथ सिंह के खिलाफ कैंट क्षेत्र के रहने वाली सरोज सिंह ने तहरीर देकर शिकायत की थी कि उनके बेटे सौरभ सिंह को रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 8,65,000 रुपये ले लिए और कूट रचित नियुक्ति पत्र और स्थानांतरण पत्र देकर धोखाधड़ी की। विश्वविद्यालय की परीक्षाएं कराने की मांग को लेकर आज छात्राओं ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व छात्र नेता आदित्य शुक्ला ने किया। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा परीक्षा की तिथि को बार बार परिवर्तित किया जा रहा है, साथ ही कोई टाइम टेबल भी घोषित नहीं किया जा रहा है। पहले परीक्षाएं हमारी 24 मार्च से घोषित थी, 24 मार्च को एक सूचना आती है कि आपकी परीक्षाएं 29 मार्च से होंगी, 29 मार्च, आज 28 मार्च है, हम आज विश्वविद्यालय मुख्य द्वार पे खड़े हैं, अभी तक विश्वविद्यालय ये नहीं बता पाया है कि हमारी परीक्षाएं कब होंगी, अभी तक टाइम टेबल नहीं आ पाया है। इस तरह से विश्वविद्यालय में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार के नाम पे आज हमारी परीक्षाएं भी इसके भेंट चढ़ गई हैं। आज आम छात्र नौजवान विश्वविद्यालय में इस तानाशाह प्रशासन से, स्कूलपति से, प्रशासन से भ्रष्ट है, एकदम परेशान है। अश्वनी कुमार मिश्र निवासी मदराहाट टोला मिश्रपुरा पोस्ट मदरिया थाना बढ़लगंज निवासी हैं, जो रेलवे से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। चिल्लू पार विधायक सहयोगी दिनेश कुमार मिश्रा द्वारा जमीन को जबरन हड़प लिया गया। पीड़ित द्वारा विरोध करने पर उन्हें उनके परिवार सहित घर से बाहर निकाल दिया गया और जान से मारने की धमकी देने लगा, जिससे परिवार मजबूरन गांव से पलायन होकर गोरखपुर शहर में किराए के मकान में रहने को मजबूर है।
पीड़ित लगभग 6 माह से मुख्यमंत्री, मंडलायुक्त गोरखपुर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी गोला के पास न्याय की गुहार लगाकर थक चुका है, लेकिन कोई भी कार्रवाई अश्विनी मिश्र के पक्ष में नहीं की गई। मीडिया से मुखातिब होते हुए समाजसेवी मनीष ओझा ने कहा कि विधायक चिल्लूपार द्वारा ही थाना बढ़लगंज पर दबाव बनाया जा रहा है, जिससे संबंधित थाना मामले की खानापूर्ति में लगा है। हमारा जो है मकान छोटा भाई कब्जा करके बैठा हुआ है, थाना चल रहा है, बढ़लगंज थाना। शिकायत वगैरह किया नहीं है? शिकायत की है तो थाना जा रहा है, तो थाने पर जा करके जब वहाँ पुलिस पहुँच रही है तो पहले तो भाग जा रहा है, बाद में लोग जब दबाव देते हैं तो आकर के जब थाने बुलाते हैं तो कहते हैं कि इस पर तो मुकदमा चल रहा है। हमने कहा मकान पर मुकदमा नहीं कायम करिए, हम जो है खेत की जमीन जो बजलुआ की जमीन जो जोत पात वाली है उस पर हमने किया, मकान तो हमने नहीं किया। मकान जो है सिविल कोर्ट में होगा, ये एस डी एम किया हमारा 116 का बंटवारा है। उस मकान में जब से आप रहते थे? हम लोग जब से मकान हम ही बनवाए, पिताजी और हम मझले भाई नौकरी करते थे तो तीनों आदमी मिल के बाद एक घर पर रहता, ये छोटा था। तीन कमरा हमको दिए हैं और एक कमरा जो है मझले भाई को दिए। अब बाकी 15 कमरा है टोटल पूरा मकान में, जिसमें 11 कमरा उसके कर दिए। शिकायत कहाँ कर दिया? शिकायत जो है एस डी एम साहब के पास किए, थाने पर किए, डी एम साहब के पास किए, एस पी साहब के पास किए, मुख्यमंत्री के पास किए और कमिश्नर साहब के, एस पी, डी आई जी, जो भी जहाँ भी है सब जगह रजिस्ट्री और सब जगह कंप्लेन करके चले गए। गोरखपुर के चौरी चौरा इलाके में शुक्रवार को हुए उपद्रव, वाहन में तोड़फोड़, आगजनी के मामले में पुलिस ने वरिष्ठ सपा नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के पति मनुरोजन यादव, नरसिंह यादव व अरविंद यादव पर 25,000 का इनाम घोषित करने के साथ ही कई अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसको लेकर आज समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी विजय किरण आनंद से मुलाकात की और इनको जबरदस्ती फंसाने की बात करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। इस संबंध में सपा के जिलाध्यक्ष अवधेश यादव ने कहा कि इस मामले में कई सपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि बवाल कुछ उपद्रवियों लोगों द्वारा किया गया है। तो आपके अधिकारी नजदीक सामने ने कहा मेरे सर को बता दीजिए। मैं जब मौके पे गया तो देखा तो ये लड़के जीजीओ जी पूरा लगा करके चौराहे पर कर रहे। डीएम साहब से हम मिलने आए थे चोरी चोरा में, शहीद धनंजय यादव की जो सौ था वो आया था एम्बुलेंस के द्वारा, जिसके द्वारा क्षेत्र में एक आक्रोश व्याप्त हो गया था, लोगों में जनता में आम जनता में आक्रोश हो गया था, जिसको लेके एक चोरी चोरा में आंदोलन हुआ परसों। उस आंदोलन में तमाम बातें सामने आई, प्रशासन भी लगा रहा, हम लोग भी लगे रहे और अंततो गत्वा वहाँ कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी करके माहौल को ख़राब किया। उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमे में तमाम समाजवादी पार्टी के लोगों को नेम्ड कर दिया गया है, इनाम रखा गया है, जबकि सच्चाई प्रशासन भी जानता है कि कोई पॉलिटिकल आदमी उस आंदोलन में शामिल नहीं था, सब लोग बल्कि सहयोग करने में लगे थे। तो यही हम लोग अनुरोध करने आए थे कि आप सर जांच करा लीजिए, आपके पास सीसीटीवी फुटेज है, आपके पास वीडियोग्राफी है, सब कुछ उपलब्ध है, जो गुनाहगार हैं हम उनके लिए कोई पैरवी नहीं है, लेकिन हमारे बेगुनाह पदाधिकारियों को जो सजा दी जा रही है उसकी उचित। सुप्रसिद्ध संत नित्य लीलालीन भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार की 91वीं पुण्यतिथि के मौके पर गीता वाटिका प्रांगण में आयोजित सप्तदिवसीय कथा के तीसरे दिन जोधपुर से पधारे गोवस्त राधाकृष्ण महाराज ने श्री भाई जी के अन्य अनुरागी, सहयोगी और उनकी दैनिक चर्या को लिखने वाले गंभीर चंद दुजारी द्वारा श्री भाई जी के जीवन प्रसंगों के सुंदर संकलन पर आधारित पुस्तक श्री भाई जी सरस संवाद का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि श्री भाई जी की स्मृति में मंगलवार को प्रातः 7 बजे से गीता वाटिका परिसर से नगर संकीर्तन यात्रा निकाली जाएगी। श्री भाई जी सरस संवाद ये इस ग्रंथ का नाम है और इसमें बहुत सी अलौकिक चर्चाएं हैं जो अब तक प्रकट में नहीं आ पाई हैं। बस्ती जिले के हरैया तहसील के सुकरौली चौधरी गांव में खंडहर हो चुके मकान की खुदाई में भारी मात्रा में सोने चांदी, जेवरात और सिक्के निकलने की खबर से पूरे गांव में कौतूहल मच गया। सूचना पर जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर खुदाई का काम रुकवा दिया।
खुदाई के स्थान पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुरातत्व विभाग अब इस खंडहर की खुद खुदाई करेगा। डीएम सौम्या अग्रवाल ने बताया कि इसकी सूचना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पत्र लिखा गया है, जो शेष खुदाई है उसकी देखरेख में की जाएगी। इसमें एक हमारे यहाँ पे गांव सुकरौली चौधरी है, थाना पैकौलिया में, तहसील हरैया में, वहाँ पे सूचना मिली है कि किसी एक परिवार के द्वारा अपने ही परिसर में जो पुराना खंडहर था वहाँ पे खुदाई करी जा रही थी, उसके क्रम में उनको कुछ किसी प्रेशियस धातु के जो सिक्के हैं और कुछ पीसेस मिले हैं, तो उनको अभी नोटिस दे करके जो उनको वहाँ से प्राप्त हुआ है वो उनसे मंगाया जा रहा है। साथ ही साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस संबंध में पत्र लिखा गया है और जो शेष खुदाई है वो उनके समक्ष करी जाएगी। सीएससी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रात्रिकालीन चिकित्सा व्यवस्था की स्थिति जांच करने निकले सीएमओ कुशीनगर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज पर रविवार की रात लगभग 9:30 पर सीएससी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएससी पर घोर लापरवाही देखने को मिली, जिससे नाराज सीएमओ ने कार्रवाई की बात कही। जिले में चल रही इस कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा है। लगा है तो कहां दिखेगा? ये राम समूह ऐसे लोगों को आपको बढ़ावा नहीं देना है जो नहीं बढ़ावा नहीं देने के बावजूद यहाँ हम लोग दौड़ा दौड़ा कर मारे, हम लेडीज होकर के मारे हैं, लेकिन उसके बाद भी इन सबों का कोई जनपद में जो सीएससी हमारे हॉस्पिटल्स हैं या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें रातकालीन चिकित्सा व्यवस्थाओं की क्या स्थिति है, इसको मैं आज स्वयं जो है 9:30 कप्तानगंज सीएससी में आया हूँ। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो भी यहाँ एमओआईसी इस समय उपस्थित नहीं है, एक डॉक्टर साहब हैं, एक फार्मासिस्ट हैं और दो मरीज अभी इमरजेंसी में मेरे सामने आए हुए हैं जिनका कि लोग इलाज कर रहे हैं, और 5 आज यहाँ डिलीवरी हुई हैं जिसमें से कोई भी इस समय अस्पताल में मौजूद नहीं है। जो सिस्टर ऑन ड्यूटी है उनका कहना है कि डिलीवरी हो गई है लेकिन वो मरीज यहाँ पे कोई रोका नहीं है, सब चले गए। तो इस प्रकार से ये मरीज डिलीवरी के बाद में मरीजों को 48 घंटे रुकना है अस्पताल में, उनका देखरेख करना है, इसके लिए इसमें जो कमी है अभी मैं इनके एमओआईसी से बात करके और ये व्यवस्था को ठीक कराऊंगा। ये बहुत ही गलत बात है और इस प्रकार से जो हमारा उद्देश्य है कि हम जनता को जो सेवाएँ दें, जच्चा बच्चा का ख्याल रखें, इसके लिए थोड़ा सा हमें और प्रयास करना होगा। इस निहिल नारी संस्था द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन गोरखपुर जज कंपाउंड स्थित साईं मंदिर में किया गया। इस मौके पर संस्था की महिलाओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी, साथ ही होली गीतों पर जमकर नृत्य भी किया। इस संबंध में संस्था की अध्यक्ष पुष्पा वर्मा ने कहा कि हमारी संस्था सभी त्योहारों की खुशियाँ साथ मिलकर बांटती है। होली मिलन का काम कार्यक्रम है। हमारी संस्था स्नेह नारी संस्थान की स्थापना 2012 में हुई थी और इस उद्देश्य को लेकर हुई थी कि हम लोग सामाजिक सांस्कृतिक कार्य को करते हुए जो हमारे देश की परंपराएं हैं, लोक विधाएं हैं, लोकगीत हैं, उन सब का संरक्षण करने का प्रयत्न करेंगे क्योंकि ये सारी परंपराएं आज धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। गोरखपुर के चौरी चौरा इलाके में सेना के जवान का शव लेकर हंगामा, तोड़फोड़, सड़क और रेल मार्ग जाम करने के मामले को लेकर गोरखपुर का पुलिस और जिला प्रशासन कड़ा रुख अपनाता जा रहा है। गोरखपुर के जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दोषियों पर रासुका और कुर्की के भी निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि इस मामले में दोषियों को सीसीटीवी कैमरा, वीडियो और फोटो के आधार पर चिन्हित करके कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिस जितने कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले लोग हैं
उनको जो वीडियो कैमरा और सीसीटीवी कैमरा जो वहाँ लगे थे उसमें चिन्हित किया गया है। कुछ लोगों को गिरफ्तारी हुई है, शेष लोगों की गिरफ्तारी प्रक्रियाधीन है और पुलिस प्रशासन द्वारा वहाँ पे विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है और चिन्हित करते हुए उन पे रासुका की कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में जो इन्होंने घटना की है और पुनः इस तरह की हरकत की है, उनको गैंगस्टर लाके उनके मकान भी कुर्क किए जाएंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गोरखपुर तहसील सदर गेट पर स्थित पार्किंग स्थल में मारपीट करने वाले दो आरोपियों को कैन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम भास्कर और सूरज हैं। बताया जा रहा है कि 23 मार्च को भास्कर अपने चार पहिया वाहन से तहसील सदर गया था। यहां पर पार्किंग शुल्क को लेकर कुछ विवाद हुआ जिसके बाद भास्कर वहां से चला गया। अगले दिन सुबह भास्कर अपने साथियों के साथ तहसील सदर गेट पर आकर पार्किंग वालों से मारपीट करने लगा जिसमें चार लोगों को चोटें आई, एक की हालत गंभीर है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर भास्कर को गिरफ्तार किया है। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताजी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, वेब पोर्टल से। 24 घंटे खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें डेन नेटवर्क के 154 नंबर पर और नेटविजन के 228 नंबर पर आप हमें देख सकते हैं। इसी के साथ हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।